भाई बहुत बैड एक्सपीरियंस, इतनी ज़्यादा वाम आई कि किसी ने मीटअप ठीक से होने ही नहीं दिया भाई साहब। बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है और हमजा भाई को यहाँ से भागना पड़ा है। ले भाई, जब तक गाड़ी सर्विस होती है हमें करना पड़ेगा वेटिंग रूम में वेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरे सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े होंगे और अमीला को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज का वीलॉग हम स्टार्ट करते हैं। सो जनाब, अपडेट अभी ये है कि शाम होने वाली है, लेकिन व्लॉग अभी मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि सुबह का आज बहुत ज़्यादा बिजी था, तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी एक मज़े की बात ये है कि मैं जा रहा हूँ एक मीट अप पे, और वो आपको बता देता हूँ। RHS बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, मेरे फेवरेट व्लॉगर हैं, तो उनका मीटअप है पास में ही, तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कैसा क्राउड है और उनको लाइव देखने का भी अपना ही मज़ा होगा। तो अभी गाड़ी वाड़ी तो नहीं है मेरे पास कोई भी, आज का ड्राइविंग व्लॉग ऐसा वैसा ही होगा। तो बाइक है तो बाइक लेके जल्दी से पहुँचते हैं। मैं ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो गया हूँ, उसका मीटअप जो है ना वो स्टार्ट हो गया। सो भाई, गड्डी वड्डी आज कोई नहीं है, ये रही बाइक, तो बाइक को लेकर निकलता हूँ। तो भाई मैं निकला हूँ बाहर रोड पे और फर्स्ट टाइम कोई मीटअप जो है ना वो मैं अटेंड करने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ऑलरेडी रेट हूँ तो जल्दी से ड्राइव करके पहले पहुँचता हूँ। मैं पहुंच गया हूं लोकेशन पे और अच्छा खासा रश लगा हुआ है भाई। भाई बहुत बैड एक्सपीरियंस, इतनी ज़्यादा वाम आई कि किसी ने मीटअप ठीक से होने ही नहीं दिया भाई साहब। बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है और हमजा भाई को यहाँ से भागना पड़ा है। ओ भाई भाई भाई, मैं वापस आ गया हूँ, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा था यार मीटअप का। क्राउड ऐसे लोग तो सब्र करते नहीं यार, स्टेज पे उस बंदे को खड़े नहीं होने दिया और बस 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 पता नहीं चला, कोई बाइक्स नहीं वहाँ पे नज़र आई, कुछ खबर कुछ पता ही नहीं चला यार, इतना ज़्यादा क्राउड था। वैसे वीडियो क्लिप में आपने पहले देखा कि कितना बुरा हाल था, लोग जो है ना द कंपेल बहुत। खैर मैं वापस आ गया हूँ, बैड एक्सपीरियंस रहा मीटअप का, तो अभी एक काम है, हमें उस काम के लिए चलते हैं। लें भाई साहब, आज मौका मिल ही गया है ऑडी को ड्राइव करने का और अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ सर्विस स्टेशन पे, इसकी सर्विस करवाते हैं। बाहर से बहुत ही गंदी हुई पड़ी। मीटअप का मुझे बहुत दुख हो रहा है, करीब से देखना था हमजा भाई को लेकिन नहीं देख पाए भाई, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मेरे जब मैं गया हूँ तब वो बाहर निकल रहे थे और क्राउड ने तो वैसे ही उन्हें 5 बजे तक का वैसे टाइम था, लेकिन वो बहुत जल्दी निकल गए
क्योंकि क्राउड ने जो है ना सारा निज़ाम डिस्टर्ब कर दिया था। चलो ए सिग्नल ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद भी आवाम जो है ना वो चलने का नाम नहीं लेती। खैर हम फ्यूल स्टेशन पे पहुंच गए हैं, ये सर्विस स्टेशन भी बना हुआ है, तो यहाँ से जल्दी से गाड़ी की सर्विस करवा लेते हैं। शाम हो रही है वैसे भी, और भी हमें काम हो सकते हैं। ले भाई जब तक गाड़ी सर्विस होती है हमें करना पड़ेगा वेटिंग रूम में वेट। जी गाड़ी अपनी वॉश हो गई, अभी मैं इसको पार्किंग में कर देता हूँ, बाहर निकलते हैं और अभी भाई साहब हमें ड्राई करके देंगे और फिर हम जो है ना वो वापस निकलेंगे। ओह भाई आज का दिन भी इतना बिजी गुजरा है कि बिल्कुल पता नहीं चला, और रात हो चुकी है। भाई साहब फाइनली गाड़ी रेडी होगी। बहुत टाइम लगा यार सर्विस करवाने में, पॉलिश भी करवानी थी फिर उस पर और ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग गया है हमारा। तो अभी निकल आया हूँ मैं, जल्दी से घर वापस चलते हैं। भाई काफ़ी रात हो गई, बहुत बहुत मज़े की और कंफर्ट सी वाली ड्राइव, मैं अल्फाज भी मेरे पास कैसे कहूँ, बहुत ही अच्छी ड्राइव है गाड़ी की, और एक पूरी फील आती है स्टेयरिंग व्हील पर बैठ के। बंदा पहली दफ़ा बैठे वो थोड़ा कन्फ्यूज होता है क्योंकि इसके इंडिकेटर्स लेफ़्ट साइड पे हैं, वाइपर का जो स्विच है वो राइट साइड पे है, तो इसलिए बंदा इसमें थोड़ा कन्फ्यूज भी हो जाता है। जनाब आज के काम भी फाइनली जो है ना वो ख़त्म हुए, तो आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई ड्राइविंग रूटीन के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। सो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ा आया।